ऑटो एक्सपो 2023 में मारुति ने अपनी लेटेस्ट लॉन्च कार मारुति फ्रॉन्क्स को रिवील किया है एंड अब उसकी ऑफिशियली बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है। वैसे तो कंपनी ने अभी इसके प्राइस रिवील नहीं किए हैं, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसके कुछ वेरिएंट के प्राइस टाटा पंच के कुछ अपर वेरिएंट के साथ क्लैश करेंगे। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम इन्हीं दो कारों का कंपैरिजन और देखेंगे आपके लिए कौन सी कार एक अच्छा ऑप्शन है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं दोनों कारों के डायमेंशन की। फ्रॉन्क्स की लेंथ 3995 मिलीमीटर है, वहीं टाटा पंच की लेंथ 3827 मिलीमीटर है। फ्रॉन्क्स की विड्थ 1765 मिलीमीटर है, वहीं टाटा पंच की विड्थ 1742 मिलीमीटर है। फ्रॉन्क्स पे आपको 1550 मिलीमीटर की हाइट मिलती है, वहीं पे टाटा पंच में आपको 1615 मिलीमीटर की हाइट मिलती है। वही बात करें कार के व्हील बेस की, तो फ्रॉन्क्स में आपको 2520 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, वहीं पे टाटा पंच में आपको 2445 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। फ्रॉन्क्स 308 लीटर के बूट स्पेस के साथ आती है, वहीं पे टाटा पंच में आपको 366 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। सो दोनों कारों के ओवरऑल डायमेंशन की बात की जाए तो लेंथ और विड्थ में आपको फ्रॉन्क्स ज़्यादा मिलती है, वहीं हाइट एंड बूट स्पेस में आपको टाटा पंच ज़्यादा मिलती है। अगर व्हील बेस की बात की जाए तो फ्रॉन्क्स में पंच से ज़्यादा व्हील बेस है, इसीलिए रियर सीट पे आपको ज़्यादा स्पेस फ्रॉन्क्स में फील होगा। फ्रॉन्क्स कहीं ना कहीं आपको एक क्रॉसओवर कार का फील देती है, वहीं पे पंच में आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी का फील आता है। अब बात करते हैं दोनों कारों के इंजन की। फ्रॉन्क्स में आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। वहीं टाटा पंच आपको सिर्फ एक इंजन ऑप्शन के साथ आती है, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। फ्रॉन्क्स के 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में आपको 99 bhp की पावर और 148 nm का टॉर्क मिलता है, वहीं इसके 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में आपको 88 bhp की पावर और 113 nm का टॉर्क मिलता है। वहीं टाटा पंच का 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 86 PS की पावर और 113 nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो दोनों कारों के 1.2 लीटर इंजन की पावर फिगर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फॉरेंक्स बलेनो के प्रोफाइल पे डिज़ाइन हुई है, इसलिए उसका बॉडी वेट रेशियो कम है, इसीलिए आपको फॉरेंक्स में ज़्यादा पावर फील होगी। अब बात करते हैं दोनों कारों के एक्सटीरियर लुक। फ्रॉन्क्स में आपको SUVs जैसा हाई ग्राउंड क्लियरेंस, बोल्ड फ्रंट लुक तो मिलता है, बट फिर भी ये कार आपको SUV से ज़्यादा क्रॉसओवर का फील देती है। वहीं पंच अपने हाई ग्राउंड क्लियरेंस और बॉक्सी डिज़ाइन के साथ एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट एसयूवी का फील देती है। फिर भी इन दोनों कार्स में आपको काफ़ी सारे सिमिलर फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि LED DRL, रियर वाइपर, 16 इंच अलॉय व्हील, रियर डिफॉगर, LED टेल लाइट, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVM। बात करते हैं दोनों कारों के इंटीरियर्स की। फ्रॉन्क्स के इंटीरियर भी बलेनो पे ही बेस्ड हैं, बट अगर कंपेयर किया जाए टाटा पंच के इंटीरियर से तो फ्रॉन्क्स के इंटीरियर थोड़ा ज़्यादा क्लासी और प्रीमियम लगते हैं। फ्रॉन्क्स में मारुति ने ड्यूल कलर इंटीरियर रखा है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। डोर्स पे भी सॉफ्ट टच फैब्रिक का यूज़ किया है, जो कार को काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है। इन माय पर्सनल ओपिनियन फ्रॉन्क्स के इंटीरियर पंच से ज़्यादा क्लासी और प्रीमियम है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेफ्टी पे। तो बात की जाए टाटा पंच की सेफ्टी की, तो आई डोंट थिंक सो इसकी सेफ्टी के बारे में मुझे बताने ही आपको किसी को ज़रूरत है। टाटा पंच ने ग्लोबल एनकैप रेटिंग में 5 स्टार अचीव किए हैं एंड ये इंडिया की वन ऑफ द सेफेस्ट कार मानी जाती है। वहीं बात की जाए फ्रॉन्क्स की, तो फ्रॉन्क्स का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, बट फ्रॉन्क्स जो है वो बलेनो वाले प्लेटफॉर्म पर ही बनी है, जो इतना सेफ नहीं माना जाता। तो अगर बात की जाए ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी की, तो टाटा पंच फ्रॉन्क्स से आगे है, बट फ्रॉन्क्स में आपको 6 एयरबैग ऑप्शन देखने को मिलता है, वहीं टाटा पंच में आपको ओनली 2 एयरबैग ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। अगर हम कंपेयर करें दोनों कार के 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन को, तो उसमें ज़्यादा आपको पावर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बट बॉडी वेट रेशियो कम होने की वजह से फ्रॉन्क्स आपको ज़्यादा पंची फील होगी। जो इसके लिए एक गेम चेंजर पॉइंट हो सकता है वो हो सकता है इसका 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, बिकॉज उसमें आपको ज़्यादा पावर्स एंड ज़्यादा टॉर्क देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि मारुति इस कार को किस रेंज में निकालती है। अगर मारुति इस कार को 7 लाख की रेंज में निकालती है, तो ये टाटा पंच के लिए एक अच्छा कंपटीटर बन सकती है।